डेलियाज खूबसूरत पौधे होते हैं जो अस्टर एशियाई खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसमें सूरजमुखी और गुले दाऊदी भी शामिल है वस्ती अमेरिका खास तौर पर मेक्सिको से ताल्लुक रखते हैं जहां इन्हें पहली बार यूरोपी मारिनी नबातात ने 18वीं सदी के आखिर में दरियाफ्त किया था इन्हें 18वीं सदी के आखिर में हस्पानवी मतलाशियों ने यूरोप में मुतारफ करवाया और सजावटी पौधों के तौर पर मकबूलत हासिल की डेलिया के पौधे इकसाम के लिहाज से मुख्त साइज में होते हैं कुछ इकसाम की ऊंचाई सिर्फ एक या दो फुट तक होती है जो बेड बनाने के लिए मौजूद है जबकि दीगर इकसाम छह फुट या इससे भी ज्यादा लंबाई हासिल कर सकती है ये पौधाजात फूलों की शक्लों साइज और रंगों के लिहाज से गैर ममूली तनों की नुमाइश करते हैं डहलिया की हजारों इकसाम है जिनमें छोटी वाद फूलों वाली इकसाम से लेकर बड़े मुकम्मल तौर पर डबल ब्लूम वाली इकसाम तक शामिल है डहलिया अपने लंबे खिलने के मौसम के लिए जाना जाते हैं जो आम पर मौसम गर्मा के वस्त ऐसी खजाब की पहली ठंड तक जारी रहता है मुनासिब देखभाल और डेड हेडिंग यानी कि पुराने फूलों को हटाने के साथ वो कई महीनों तक बहुत ज्यादा खिले रह सकते हैं डहलिया की जड़ें मूली नुमा होती हैं जिन्हें ट्यूबरस जड़ें कहा जाता है इन ट्यूबरस को खोद कर सर्दियों में जखीरा किया जा सकता है और अगले बढ़ते हुए मौसम के लिए मौसम बहार में दोबारा लगाया जा सकता है अठारहवीं सदी में डहलिया की जड़ों से चीनी तैयार की जाती थी इनकी जड़ें खाने के काबिल होती हैं और कुछ रवायती दवाओं के तरीकों में डहलिया की ट्यूबरस जड़ों से सेहत के कुछ फवायद मनसूब किए जाते हैं कुछ सकाफतों में डहलिया की ट्यूबरस जड़ों को मामूली बीमारियों जैसे बदहजमी और इस हाल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है ताहम इन इस्तेमाल की हमायत करने वाले साइंसी सबूत महदूद है और दवाओं के मकासद के लिए डहलिया का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए मजीद बरा कुछ डहलिया की ट्यूबरस जड़ों को खाने के काबिल समझा जाता है हालांकि वो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते और हो सकता है कि वो हर एक के लिए लजीज भी ना हो डहलिया के फूल अमृत से मालामाल होते हैं और पोलिनेटर्स जैसे शहर की मक्खियों तितियों और हमिंग बर्ड को बाग की तरफ रागब करते हैं जिससे वो पोलिनेटर्स की आबादी को सहारा देने के लिए कीमती पोल बनाते हैं डहलिया के शौकीन सर्दियों से नई इकसाम को हाइब्रिडाइज कर रहे हैं और इनकी अफजाइश कर रहे हैं जिसके नतीजे में रंगों शक्लों और साइजों की एक नाकाबले यकीन तरतीब दस्तियाब है डहलिया की कुछ इकसाम ने अपनी खूबसूरती और इंफादियत के लिए मुमताज एवॉर्ड भी जीते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी यूट्यूब पर जाए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारा चैनल गो ग्रीन विद जैन को सब्सक्राइब करें